दिस इज क्लास 10 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें अब तक मैंने आपको 7th पार्ट तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी 8 और लास्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन गिवन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 होल टू द ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 होल टू द ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। अब यहाँ पर भी जब हम पहले एज्यूम करते हैं, तो अगर हम ए की वैल्यू को एज्यूम करते कि 1/3x प्लस वाई और बी की वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं 1/3x माइनस वाई, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3/4 और 1/2 ए प्लस 1/2 बी इक्वल टू माइनस 1/8 केवल बचा। तो अब हम देखते हैं जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलता है रिड्यूस फॉर्म में करने के बाद ए माइनस बी इक्वल टू 1-1/4। तो हमारा इक्वेशन अब क्या फॉर्म करेगा, इक्वेशन हमारा फॉर्म करेगा ए प्लस बी इक्वल टू 3/4 यहाँ से और ए माइनस बी इक्वल टू 1/4 यहाँ से, ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं 2a इक्वल टू कितना 3/4 माइनस 1/4, तो वैल्यू क्या हुआ 2/4 हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो हमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू मिला 2/4 यानी अब जब इसे हम और रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर अगर 2a की वैल्यू 2/4 है तो a की वैल्यू 2 से कटने के बाद 1/2 होती है। अब हमने a की वैल्यू 1/2 को इक्वेशन 1 में जब पुट किया